ऋतिक की एक्टिंग तो है हिट, पर फिर भी विक्रम वेदा गई पिट। उठा ले। हाँ, ऋतिक ने भी यही बोला अपने फैंस को कि भाई का फिल्मवा लगा है, सिनेमा में जाके देखो। लेकिन फैंस को ऋतिक का ये टूटा फूटा यूपी वाला, भोजपुरी वाला, पता नहीं कौन सा एक्सेंट बिल्कुल नहीं पसंद आया। पर ऋतिक और सैफ दोनों ने ही शानदार कैरेक्टर पकड़ के रखा। हालांकि साउथ के फैंस तो यही बोलेंगे ओरिजिनल वेदा यानी विजय सेतुपति के सामने क्या गुंडा बनेगा रे तू। पर स्टिल हिंदी ऑडियंस ने इस जोड़ी को काफी पसंद किया। लेकिन इतनी एप्रिसिएशन के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पे दौड़ने के बजाय ये फिल्म क्रॉल कर रही है। आइए अनकट पे मेरे यानी प्रशांत कपूर के साथ देखिए अब तक कैसी परफॉर्मेंस है विक्रम वेदा की बॉक्स ऑफिस पे। ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस को हिट किया था 9 सितंबर को और 400 करोड़ में बनी इस मूवी ने जैसे तैसे अपने पैसे तो रिकवर कर ही लिए थे। और फिर उसी महीने के एंड में आई विक्रम वेदा, जिसके ऊपर काफी लोगों ने बवाल काट रखा था कि भाई सेम नाम और सेम स्टोरी की फिल्म हिंदी में आ रही है जिसे ओरिजिनल विक्रम वेदा के डायरेक्टर्स ने ही बनाया है। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन पुष्कर और गायत्री को बहुत लग रही थी तो उन्होंने 30 सितंबर को विक्रम वेदा वर्ल्ड वाइड रिलीज करी 5640 स्क्रीन्स पे, जिसमें से करीब 4000 स्क्रीन्स इंडिया में थी और 1600 के आसपास थी ओवरसीज। तो ऋतिक और सैफ के फैंस पहुंच गए इस साउथ की ब्लॉकबस्टर को हिंदी में बड़े पर्दे पर देखने और अपनी सांसें रोक के बैठे हुए प्रोड्यूसर्स की हालत पहले ही वीकेंड के बाद कुछ ऐसी हो गई, क्योंकि पहले ही वीकेंड पे मूवी ने करीब 40 करोड़ कमा लिए तो उन्हें लगा बस 10 दिन के अंदर ये फिल्म 175 करोड़ के बजट को पूरा करके प्रॉफिट देना शुरू कर देगी। लेकिन मंडे से ऑडियंस ने बोला रुको जरा, सबर करो, और जो थोड़ी बहुत रफ्तार नजर आ रही थी नंबर्स में वो बिल्कुल रुक गई। और आठवां दिन यानी दूसरा वीकेंड आते आते मूवी की इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 70 करोड़ के आसपास ही पहुंच पाई है। तो अच्छी एक्टिंग होने के बावजूद भी ऐसे नंबर्स गजब बेइज्जती है। पर आज 9वें दिन पे जाके फिल्म के ग्लोबल नंबर सामने आए हैं और 9 दिन में ग्लोबली विक्रम वेदा ने सेंचुरी मार दी है, क्योंकि ग्रॉस अर्निंग्स की बात करें तो इंडिया में मूवी की कलेक्शन हो चुकी है करीब 72 करोड़ रुपए और ओवरसीज कलेक्शन है करीब 29 करोड़ रुपए। तो 10 दिन से पहले पहले मूवी ने 101 करोड़ का शगुन कर दिया है। अरे आपने नहीं पूछा पर बताना तो मेरा फर्ज बनता है ना। अब हालांकि विक्रम वेदा 100 करोड़ वाले क्लब में चली गई है लेकिन अभी तक अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाई है। तो जिस हिसाब की एक्सपेक्टेशन थी प्रोड्यूसर्स को इस हाई बजट फिल्म से, उस हिसाब से तो पिट ही रही है। पर देखो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कॉमेंट्स में हमें बताओ, और बॉक्स ऑफिस पे कितनी कमाल कर पाएगी ये भी हमें कॉमेंट्स में बताओ। और अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाओ यार देख के आओ ना, वन टाइम वॉच तो है ही है, बैकग्राउंड म्यूजिक से ही दिल खुश हो जाएगा। एक हफ्ते तक डरा 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 रा डरा 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 रा यही करते रह जाओगे। चलो अब यहां तक पहुंच ही गए हो तो अनकट को सब्सक्राइब भी कर ही दो, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर भी कर ही दो। मैं हूं प्रशांत कपूर और देखते रहिए अनकट।